फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पचेलन। कैसे हो आप सब लोग? सो यस गाइस, अभी जस्ट आप लोगों का अगस्त में रिजल्ट आएगा एंड काफी सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो जॉब सर्च करेंगे, इंटर्नशिप सर्च करेंगे। अच्छा, मुझे कमेंट्स में जल्दी बताओ कि आपका डिजायर्ड जॉब क्या है, आप कौन से कंपनी में काम करना चाहते हो। एंड यस गाइस, डिजायर्ड जॉब ढूंढना एक आसान काम नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू देना पड़ता है, रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। सो मैंने सोचा मैं आपका ये प्रोसीजर थोड़ा सा इजी बना देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं ये सबसे जा चुकी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है, कौन सी चीजें आपको करनी है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे तरीके जिससे आप अपने डिजायर्ड जॉब की तरफ जा सकते हो, जिससे आपको आपके डिजायर्ड कंपनी में काम मिल सकता है। मुझे भी इसी तरीके से मिला था एंड ये एकदम ट्रस्टेड मेथड्स है, ठीक है? बहुत सारे मेथड्स बताने वाली हूँ, बहुत सारे सोर्सेस बताने वाली हूँ। सो कुछ टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा वीडियो पे चलते हैं। सो यस गाइस, फर्स्ट सोर्स और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है व्हाट्सएप। यस गाइस, व्हाट्सएप को सिर्फ आपके फ्रेंड्स के साथ या रिलेशनशिप वालों के साथ चैटिंग करने में इस्तेमाल मत करो, इसको आप जॉब सर्च करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर दे देती हूँ। वो ग्रुप के थ्रू आपको वैकेंसीज मिलेगी काफ़ी सारी एंड उस वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे याद है मैंने ब्लू जेट इसी टेक्निक से अप्लाई किया था। लाइक एक ग्रुप में वैकेंसी आई थी वो कंपनी की एंड मैंने फिर अप्लाई कर दिया और मुझे ब्लू जेट मिल गया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैकेंसी मिलती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, ईमेल आईडी मिलती है, कंपनी का नाम मिलता है, तो यू नो इट बिकम्स ईजी। और जो भेज रहा है उसको आप पूछ भी सकते हो कि भाई आपको कहाँ से मिली, क्या ट्रस्टेड कंपनी है, क्या अच्छी कंपनी है। सो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत ईजिली आपको जॉब्स मिल जाती है, इंटर्नशिप भी एंड फ्रेशर के लिए भी, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड सोर्स की तरफ जो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर लोग बहुत गलतियां करते हैं कि वो लोग डायरेक्ट, मुझे भी ऐसे काफी सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पर डायरेक्ट कि प्लीज इफ देयर इज एनी जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन लेट मी नो। सो इट साउंड्स वेरी कोल्ड एंड रूड। अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो तो पहले पूछ तो लो, हाउ आर यू, मुझे आपका काम पसंद आ रहा है, यू नो ऐसा अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा रिलेशन बिल्ड करो एंड उसके बाद बताओ कि यार आप जॉब के सर्च में हो, तो अगर कुछ रहे तो प्लीज इन्फॉर्म करना। इस तरीके से आपको हेल्प मांगनी है। और लिंक्डइन पर आप पोस्ट भी कर सकते हो, पोस्ट करते टाइम याद रखना आपका ईमेल आईडी जरूर मेंशन करना, तभी तो कंपनीज आपको अप्रोच कर पाएगी। सेकेंड चीज, लिंक्डइन पर आप जॉब अलर्ट ऑन कर सकते हो फॉर सीएस। जैसे ही आप जॉब अलर्ट ऑन करोगे आपको ईमेल्स आएंगे जब जब वैकेंसीज होगी। मैंने ऐसे तरीके से भी काफी सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिया था। थर्ड टेक्निक है नॉर्मल एप्स हो गए, जो जॉब सर्चिंग एप्स होते हैं सच एस नौकरी, ग्लासडोर एटसेट्रा। इसमें आप अपना प्रोफाइल बना लो एंड आपको काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे भी मिल जाएगी। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसे मिली थी कंपनीज और वो लोग वहाँ इंटरव्यू देने गए थे। बट बी अवेयर ऑफ फ्रॉड एप्स, ठीक है? शाइन मुझे सबसे बड़ा फ्रॉड लगता है, तो शाइन ऐप पर बिल्कुल भी अपने आप को रजिस्टर मत करना, और अगर किया है तो अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। अब आते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पर, जो कि है मेरा मोस्ट रीसेंट डिस्कवर्ड सोर्स ऑफ जॉब, दैट इज रीलेवल। सो गाइस, क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू CIMA सर्वे इंडिया में 5.3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, जिसमें सिर्फ 1.7 करोड़ तो वुमेन्स ही है। इसके रीजंस भी बहुत है, जैसे कि फैमिली की केयर करते करते ब्रेक आ जाता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती और हमारा एज भी बढ़ता जाता है। सो यू नो इन जनरल आप कितना भी बोल लो, लेडीज को प्रॉब्लम होती ही है एक टाइम पर जॉब ढूंढने में। बट बात इसमें ही खत्म नहीं होती। मीट स्वाति रानी, इन्होंने सेल्स का जॉब एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली HR में जॉब स्टार्ट किया, वो भी ग्रीडी गेम्स में। जी हाँ, इनके पास ऑप्शंस तो दोनों ही थे, पर इन्होंने अपना मनपसंद करियर सिलेक्ट किया। मीट निशा गुप्ता, जिन्होंने 10 साल के ब्रेक के बाद अपना करियर स्टार्ट किया सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम पर इन डायमंड ऑन कॉल्स कंपनी में। इन्होंने अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए ब्रेक लिया था, बट अपने एम्बिशन से नहीं। और ये है किरण मिर्धा, इन्होंने पेंडेमिक में अपना जॉब स्विच करने का ऑप्शन लिया और वो सबसे बेस्ट डिसीजन था। आज वो बिकाई में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहे हैं विद अ वेरी गुड सैलरी पैकेज। ये सब पॉसिबल हुआ है एक सिंपल सा टेस्ट देकर, विच इज लॉन्च्ड बाय रीलेवल बाय अन एकेडमी। इंडिया के 200+ कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज
रीलेवल के थ्रू हायर कर रही है, और ये स्टोरीज पॉसिबल है क्योंकि इस टेस्ट में ना तो आपको कोई डिग्री की जरूरत है ना ही कोई एक्सपीरियंस की। ऐसे बहुत सी स्टोरीज है रीलेवल पर, क्योंकि रीलेवल पर आपको आपके स्किल्स के बेसिस पर जॉब मिलती है। अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हो तो रीलेवल इज द वे। यू नो रीलेवल से 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300 से ज्यादा ऑफर्स रिलीज हुए हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा अमाउंट है फॉर अ जॉब ऑफरिंग प्लेटफॉर्म, और इसके जो होर्डिंग्स है कैंडिडेट्स के, एप्लीकेंट्स के, वो आपको अक्रॉस इंडिया दिख जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही रीलेवल ने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है फॉर कॉन्टेंट राइटिंग। इसका मतलब ये है कि आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो, सच एज सेल्स, एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एचआर, एनालिटिक्स एंड मच मोर। बाय द वे, इन सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज का पार्ट आप भी बन सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे। जाके क्लिक करो और इनका टेस्ट दो एंड यू कैन बी नेक्स्ट।